पटना में हजारों समर्थकों के साथ खजुराहो से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी बीडी शर्मा ने भरा नामांकन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल, आठों विधायक सुरेश पचौरी, लखन पटेल पन्ना में रहे उपस्थित। खजुराहो से सांसद और मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज अपने हजारों समर्थकों और लोकसभा क्षेत्र से आठों विधायकों के साथ पन्ना पहुंचे, जहां पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और सांसद प्रहलाद पटेल भी पहुंचे, तो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सुरेश पचौरी और लखन पटेल भी उपस्थित रहे। लोकसभा खजुराहो से प्रत्याशी बीडी शर्मा निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल की। लोकसभा प्रभारी सतानंद गौतम एवं जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे। वहीं मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा को वोट देने का मतलब वोट बर्बाद करना, सपा को वोट देना मतलब देश के टुकड़े करने वालों का समर्थन करना। स्मृति ईरानी ने कहा, सपा देश को लूट चुकी है और अब उसकी नज़र फिर से देश की तिजोरी पर है। उन्होंने कहा, एक समय 9 सीटें रखने वाली पार्टी आज 400 पार जाने की क्षमता रखती है, इसलिए देश हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग करें। उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी बीडी शर्मा का समर्थन कर वोट देने की अपील की। आज सुबह जब बीडी शर्मा अपने काफिले के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, तो चारों तरफ जय भाजपा विजय भाजपा अब की बार 400 पार के नारे लगाकर उनको समर्थन का हौसला बढ़ा रहे थे। आइए देखते हैं पूरी खबर, क्या बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने वाले ऐसे लोगों के प्रांगण से लड़ रहे हैं और मेरा यह मानना है कि जिसके पक्ष में धर्म हो, सत्य हो, लोकतंत्र हो, जीत उसकी पक्की है। वोट मांगता है। आज जनता जनार्दन से कहना चाहती हूं कि सपा को वोट देना मतलब वोट जाया करना, सपा को वोट देना मतलब उन ताकतों को वोट देना जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, सपा को वोट देना मतलब उनको वोट देना जो तिजोरी लूट चुके और अब भी जिनकी नजर तिजोरी पर है, वो उनका काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नागरिक पुनः कमल का फूल खिलाएगा और मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। जोड़कर मोदी के लिए आशीर्वाद मांगने का हमें मौका मिला है, ये मौका हमसे छूटना नहीं चाहिए और विनम्रता का भाव रखते हुए हम जनता जनार्दन से कहें कि जब मौत मंडरा रही थी कोविड के वक्त, तब बाकी सब भाग गए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गांव गांव सैनिटाइजर और मास्क बांट रहा था, हर गली में भूखों को खाना खिला रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज दरवाजे आया है वोट मांगने। जब सर झुका के विनम्रता के भाव के साथ नरेंद्र मोदी के पक्ष के लिए वोट मांगने जाएं, तो उन्हें याद दिलाएं कि जब विपक्ष की पार्टियां कह रही थी कि वैक्सीन ना लगाओ और वैक्सीन लाओ तो विदेश से लेकर आओ, अब ये मोदी है जिसने कहा था मुकम्मता से कि हम हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे, हिंदुस्तानी तक हर वैक्सीन पहुंचाएंगे और विदेश में भी हिंदुस्तान की वैक्सीन का जौहर दिखाएंगे। ये हिम्मत हिंदुस्तान में ये विद्वान सिर्फ मोदी में था। वैसे सपा के जो प्रत्याशी आपके सम्मुख लड़ने आए, बीडी भैया थोड़ा पूछ लीजिए, जिस वैक्सीन का वो बहिष्कार कर रहे थे, मोदी वाली वो वैक्सीन उन्होंने भी लगाई क्या?